भारत के इतिहास में 23 जनवरी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूं तो हर दिन भगवान का बनाया होता है। सूर्य धरती और चंद्रमा की ब्रह्मांड की गति से समय चक्र चलता है और इस काल के भाल पर अपने कर्म से एक नया इतिहास बना करके कुछ लोग ऐसे हस्ताक्षर करके चले जाते हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां युगों युगों तक सदियों सदियों तक उनको याद करती है। 23 जनवरी 1897 को एक ऐसे ही महापुरुष का इस भारतवर्ष की धरती पर जन्म हुआ जिनको हम सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं और आज उनकी जयंती है। जिस उद्देश्य के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ और जिसके लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन अर्पित किया, जिसके लिए एक एक पल जिए, वो काम आज भी अधूरा है। उस काम को हमें पूरा करना है। जब याद करते हैं हम अपने उन पूर्वजों को तो हृदय कृतज्ञता से भर जाता है कि कितने कष्ट सहे होंगे, किन विपरीत परिस्थितियों में उन लोगों ने काम किया होगा। जिन अंग्रेजों के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था उनको परास्त करने की उन्होंने मन में ठानी थी, एक संकल्प लिया था कि मुझे किसी भी कीमत पर भारत माता को इन पराधीनता की बेड़ियों से जंजीरों से मुक्त करना है। और उस समय जब देश में उनको कोई बहुत बड़ी मदद नहीं मिली, क्योंकि किसी भी क्रांतिकारी को देश में कोई बहुत बड़ा सहयोग नहीं मिला, क्योंकि जितने भी सत्ताधीश थे, जितने भी शासक थे, वो सब ने अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था। और जितने भी समाज के ताकतवर लोग थे उसमें भी लगभग लगभग सब सुविधा भोगी हो चुके थे। किसी ने जो है अपने आप को सर कहलाने में अपना गौरव समझा। सर कटाने वाले तो बहुत कम थे, सर कहलाने में अपना गौरव समझने वाले अंग्रेजों की पिट्ठू बन करके, उनकी गुलाम बन करके, उनकी दासत्व में जीने वाले समर्थ लोगों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला थी। और क्रांतिकारियों को तो अपने घरों में कोई नहीं रोकता था, उनका सहयोग करना तो बहुत दूर की बात रही। आज तो हम इस देश में से इस पूरे भ्रष्ट तंत्र को और विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र को समाप्त करने के लिए और इस देश में स्वदेशी तंत्र की स्थापना के लिए खड़े हुए हैं, तो कम से कम इस देश के 99% लोग हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं और करोड़ों लोग सहयोग तो करते हैं। उस समय काम करना कितना मुश्किल था इस बात का अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। तो जिस तरह से तमाम क्रांतिकारियों को सहयोग नहीं मिलता था और वो दर दर भटकते रहते थे, कोई अपने घर में भी उनको रोक करके राजी नहीं था, क्योंकि अंग्रेज को पता लग जाएगा तो वो हमारे कुलवंश का नाश कर देगा, इस तरह की एक आशंका बनी रहती थी। इसलिए क्रांतिकारियों का कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था। और यही कारण था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी जब लगा कि अब इस देश को आजाद कराने के लिए, इस भारत को इस मुल्क को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जब मुझे अपने देश से मदद नहीं मिल रही है, तो उन्होंने दूसरे देशों से, जर्मनी से मदद मांगी और जापान से मदद मांगी। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि दो ध्रुव बन चुके थे पूरे विश्व के, और जापान जर्मनी बहुत से लोग इनके साथ काम करने के लिए तैयार हुए। और 21 अक्टूबर 1943 में उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और भारत को अपनी तरफ से आजाद घोषित कर दिया, आजाद हिंद सरकार की भी घोषणा कर दी। उस समय भी बहुत उनको धोखा मिला, अपने ही देश के अंदर धोखा मिला। और उस समय की परिस्थितियां यद्यपि पूरी अनुकूल नहीं थी, और उन प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में भी पूरे देश में भी देशभक्त लोग ऐसे नहीं कि किसी भी वक्त में देशभक्त जो है हमेशा लोग मिट जाते हैं। ये वीर प्रसूता हमारी भारत माता है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि शूरवीरों का, पराक्रमियों का कभी अभाव रहा देश में। और आजाद हिंद फौज के नाम से देश में भी बहुत लोग खड़े हो गए। आज उनको हम स्वतंत्रता सेनानी आदि के रूप में जानते हैं। संघर्ष हुआ, चाहे पूर्ण विजय ना मिली हो, लेकिन अंग्रेजों को ही पता लग गया कि अभी ज्यादा वक्त तुम इस हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकते, और उन्होंने दिल्ली चलो की हम
दिल्ली दिल्ली जाएंगे, अपना हिंद बचाएंगे। और उन्होंने एक योद्धाओं की तरह अपना धर्म निभाने के लिए पूरे देश के लोगों का आह्वान किया, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा आज हिंदुस्तान के, ये एक संकल्प हिंदुस्तान के आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में उठता है। तो ये एक महापुरुष को खाली याद करने का ही वक्त नहीं, आज जिन परिस्थितियों में से भारत गुजर रहा है, आज हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। और इसलिए हम कम से कम महापुरुषों की जयंती पर, उनके बलिदान दिवस पर, जिसके लिए उनका जन्म हुआ और जिसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, उसको याद करके जरा अपने देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, उनको कभी कभी तो याद करें, हर दिन याद ना भी कर सके तो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके देश के प्रति जो उनका संकल्प था, उसको प्रणाम करते हुए सभी देशवासियों से पुनः आह्वान करूंगा कि सब मिलकर के, जैसे पहले उन्होंने कहा था, हम चलो दिल्ली का नारा दिया था उन्होंने, तो अब मैं सबसे तो नहीं कहूंगा कि अब हर दिन तो ये संकल्प नहीं दोहराना होगा कि चलो दिल्ली की ओर, लेकिन अब दिल्ली की तरफ भी एक बार कोच करना पड़ेगा हिंदुस्तान के लोगों को, और दिल्ली में अच्छे लोगों को बैठाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, विधानसभाओं से लेकर के लोकसभाओं तक, अच्छे लोगों को सत्ताओं में बैठाना पड़ेगा। सत्ता में जब तक सत्य का स्थापित नहीं होगा, तब तक तो देश को बचा नहीं सकते।